दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, पिछले वीडियो भी आपने देखी है और इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि किस तरीके से हमें जंगल जंगल में घूमना पड़ता है दोस्तों, और जहाँ हैंडपम्प ख़राब होता है जाना पड़ता है दोस्तों। ये क्या है कि आदिवासी एरिया है, आदिवासी एरिया की वजह से यहाँ पर हैंडपम्प ज़्यादा है, इस तरीके से जंगल में ढूंढना पड़ता है। हैंडपम्प तो यहाँ से थोड़ा दूर है, एक हैंडपम्प है यहाँ से दूर है थोड़ा सा, कोई देवता का स्थान है यहाँ पर। इस तरीके से हमें घूम घूम के, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, कोई नहीं मिल रहा है इधर, तो देखता हूँ, देखें थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ, अगर कोई मिले तो ठीक, नहीं मिले तो मैं वापस निकलता हूँ यहाँ से और दूसरी साइड जाता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि और दूसरी तरफ भी है। यहाँ पर ज़्यादातर पेड़ दोस्तों आपको सागवान और ये टिमरू जो फल लगता है ना, देख रहे हैं आप इस पेड़ को, इस पर खाने वाला टिमरू का फल वही वाला है ये, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ तो कोई नहीं है। एक भाई साहब आ रहे हैं, देखिए हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो भी चले गए दोस्तों, उधर निकल गए वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जंगली जानवर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जंगली जानवर ज़्यादा है यहाँ पर, कोई नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर एक जीपीएस कैमरे से मुझे ऑनलाइन एक फ़ोटो खींचना होगा और वापस मुझे पीएचडी विभाग पहुँचाना होगा, क्योंकि मुझे बताना होगा कि मैं वहाँ गया था और वहाँ जन सहयोग ना मिला, इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। कोई नहीं है दोस्तों यहाँ पर, चारों तरफ देख लिया है मैंने, और देखिए आगे चल के साइड में देखते हैं अगर कोई मान लो मिले, कभी कोई मिल जावे तो ठीक ही है। देखो बैंगन बो रखे हैं इन्होंने, बैंगन है दोस्तों ये, ये गाय किसी की गाय है इधर, मेरे को कोई नहीं दिख रहा है दोस्तों इधर। होंगे लोग लेकिन जंगल के अंदर होंगे, जंगल के अंदर लकड़ी काटने के लिए जाते हैं बहुत सारे, चूल्हे में जलाने के लिए। तो एक दोस्तों यहाँ का आपको दिख रही होगी दूर एक दवे छिड़कने की टंकी ज़रूर पड़ी है, मैं उनसे बात करता हूँ, देखिए अगर वो मिले इधर तो फिर आपसे बात करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आवाज़ भी लगा के देख लिया, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा इधर, ठीक है। तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों, मुझे जाना होगा यहाँ से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग मिलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर गांव की तरह नहीं है कि एक घर सारे के सारे घर एक जगह इकट्ठे, जंगल में एक घर यहाँ है तो एक घर वहाँ, एक घर यहाँ तो एक घर वहाँ। इन लोगों के यूँ समझ लो दोस्तों कि लाइटें भी बहुत मुश्किल से पहुँची है इधर जंगल में, पहले तो इधर लाइटें भी नहीं थी, बस कुछ भी तेल का ऐसा दिया हुआ लगा करके रहते थे। पहले तो घासलेट भी मिलता था, केरोसिन भी मिलता था, लेकिन अब तो केरोसिन सरकार ने वो भी बंद कर दिया, तो अब तो केरोसिन भी नहीं मिलता। तो देखो दोस्तों इधर से एक वासाब आ रहे हैं, पानी भर के लेके आ रहे हैं बहुत दूर से, पाप कटा गया था पानी भरवाने। अच्छा यहाँ कूड़ो है गई, हाँ। तो ये चारों तरफ इधर जंगली एरिया है। तो चलो वासाब से बात हो चुकी है अपनी, तो ये बोल रहे हैं देखिए कि मैं बुलाता हूँ, अभी देखते हैं, देखिए किसी को अगर कोई होगा आसपास तो बुलाएंगे। दूर दूर तक मकान
यहाँ पर एक मकान यहाँ, एक वहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, ऐसे हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करना ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा मैं, जंगल में किस तरीके से लोग रहते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये आप सोचते होंगे दोस्तों कि ये जो बाड़ बना रखी इन्होंने, मतलब हमारे इधर वागर बोलते हैं इसको, वागर लगा रखी है दोस्तों इन्होंने, ये आड़ घर के चारों तरफ आड़ करते हैं, तो ये इसलिए करते हैं जंगली जानवर से बचने के लिए। ये जो आड़ कर रखी है उन्होंने, ये घर की, यहाँ पर घर है, इसके पीछे घर है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये, हैंडपम्प तो आपको दिख ही गया होगा, ये है इसके पीछे घर है दोस्तों, ये एक ही मकान है, लेकिन ये यहाँ से सब काम पे गए हुए हैं, सारे के सारे लोग काम पे गए हुए हैं, यहाँ से कोई नहीं है। ये देख सकते हैं दोस्तों घर है अंदर, और इन्होंने ये दरवाज़ा बना रखा लकड़ी का छोटा मोटा। यहाँ पर एक खेर बना रखी है, इसको नाद भी बोलते हैं लोग, इसको नाद भी कहते हैं दोस्तों, ये खेर जो खाली पड़ी हुई दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करना, और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करना। ओके, बाय बाय।